लुधियाना के ढोलेवाल चौक स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मंडल कार्यालय के समक्ष केबल ऑपरेटर वेलफेयर कमेटी एवं राष्ट्रीय धर्म के मेंबरों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शहर के समस्त केबल ऑपरेटरों व राष्ट्रीय धर्म के मेंबरों ने विजिलेंस एवं सर्विस टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विनोद जैन ने बताया कि वह केबल ऑपरेटर द्वारा डिजिटल नेटवर्क देने के साथ साथ बनने वाला सर्विस टैक्स जमा करवा रहे हैं, इसलिए उनका कहना है कि ऑपरेटरों को जारी किए सभी नोटिस वापस लिए जाएं। इस दौरान पुलिस का भारी दल भी मौके पर मौजूद था। कुंवर रंजन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रधर्म। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो केबल केबल वेलफेयर कमेटी पंजाब और राष्ट्रधर्म की तरफ से ये साझा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्विस टैक्स की आड़ में जिस तरह ब्लैकमेलिंग की घटना पंजाब में बढ़ी है, इससे केबल ऑपरेटर का जीना दुश्वार हो गया हुआ, और एक कारण बताओ नोटिस जारी की गई है जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी और नाजायज है, क्योंकि इस नोटिस का जो आधार बनाया गया वो थर्ड पार्टी आधार बनाया गया है, जो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। बिना पार्टी से इन्फॉर्मेशन लिए हुए किसी भी केबल ऑपरेटर से कोई जानकारी नहीं ली गई और नोटिस निकाल दिया गया। राजधर्म इसकी पूरी कड़े शब्दों में निंदा करती है। केबल ऑपरेटर यूनियन आज पूरे पंजाब भर से लोग आए हैं और ये आंदोलन लुधियाना में शुरू हुआ है। बहुत जल्दी जब तक ये नोटिस वापस नहीं लिया जाता ये आंदोलन पूरे पंजाब में होगा, और ये केबल इंडस्ट्री को खत्म करने की एक साजिश है, क्योंकि पंजाब में ऐसे ही इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। केबल केबल के जो लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, और जबकि सर्विस टैक्स 1992 के बाद शुरू हुआ, आज 2014 में बरसों बाद करोड़ों रुपए सरकार ने खर्चे सर्विस टैक्स के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन उन्होंने जागरूक नहीं किया बल्कि सर्विस टैक्स की आड़ में ब्लैकमेलिंग का काम शुरू किया। अभी ताजा ही एस धालीवाल 20 लाख रुपए लेते हुए रंगों हाथे पकड़ा गया, इससे साबित हो जाता है 2 करोड़ रुपए की डील हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग और रिश्वतखोरी किस कदर बढ़ चुका है, और पंजाब की चरों को खोखला करता राजधर्म कफन बांधकर सड़कों पर उतरी है और किसी धमकी से प्रशासन से रुकने वाली नहीं है। हर हाल में इसका विरोध करेगी, और सर्विस टैक्स का जो ये नोटिस आया है जब तक वापस नहीं होता हम आज के दिन एक प्रचंड आंदोलन की घोषणा करते हैं और इस आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। मैं अही इस करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि जरा सर्विस टैक्स लै रहे हैं हिंदू सांझ की पूरे वर्ल्ड के दस दिन की टैक्स की जी है 100% रिकवरी कितों होंगी हो साडे को 100% बॉक्स के उत्ते जी है टैक्स रिकवरी करने जो कि सरासर नजायज है एरिए सानू रिकवर करके दिखा देना। 80% के उपर रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रही। ये लोग साडे को 100% के उत्ते सर्विस टैक्स लै रहे हैं जो कि साडे नाल शर्म धक्का। मैं फिर एक गल कहना चाहुंदा, ये अफसरशाही जिन्हें पैसों के उत्ते तनखा लेंदी है इन्हों तनखा के उत्ते इन्हों के न्याणे के टॉफिया का खर्चा नहीं निकल सकता। ये जिन्हें अजकल जिन्हें अशप्रस्त होए फिरते हैं ये सरासर लोगों का नजायज करते हैं, और अही एक गल फिर एक कहनी चाहते हैं, ये लोग गिजे हुए ने सरमाएदारों को हाथ पाउण ते वड्डे वड्डे लाड़ियां नूं वड्डे वड्डे घराणे नूं हाथ पाउण ते। ऑपरेटर जिहड़ा हैगा उह पहले जमीन दे उत्ते है, जमीन दे उत्ते थल्ले की गड़ लैणगे, जदों मर्जी सानू जेल भेज देण असीं जेल जाण नूं वी तैयार हैं, पर धक्केशाही जिहड़ी हैगी उह बर्दाश्त नहीं करांगे। जिन्हें भी लुधियाने दे केबल ऑपरेटर ने उन्होंने साथी सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं, ये सर्विस टैक्स के दफ्तर के मूहरे धरना ला के बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने नजायज़ तौर पर गलत तरीके सानू ऑपरेटर नोटिस कढ़े ने। जेकर एक एरिए 5 लाख की मांगती है तो इन्होंने 15 तो 20 लाख रुपये लैके नोट कर दते बिना किसी कारण तो। यह शेराम धक्का वा वो अगेंस्ट अच्छे इकट्ठे हुए हैं। साड़ी कोई मंग है कि जो नोट्स ने यह वापस ले जाए, जब तक ये वापस नहीं लेंगे उदों तक असं धरने बैठे हैं। उसके नाल ही सानू उतों अगे भी पूरे पंजाब के बड़े लोग आ रहे हैं, अभी सारे इकट्ठे होकर पूरे पंजाब के बहुत बड़ा अंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। मैं बेनती करा बार बार के सर्वे टैक्स जो नोट्स भेजे गए हैं इमीजिएट वापस ले जाए, क्योंकि केबल ऑपरेटर के उपर इस टाइम बहुत सिस्टम खराब होया, वो बहुत दुखी हुए हैं, उन्होंने सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका, वो अपने तो दिमागी तौर पर भी फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपर इन्ना प्रेशर पै चुका अफसर का। इस करके नोट इमीजिएटली वापस ले जाए।